136, 137, 138, 139. भाई हिमाचल में एंटर होते ही ठंड लगने लगी यार। गाइस गरीबी आ गई है बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप। तो ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है दोस्तों, एक इन्होंने रोड की ऐसी तैसी कर रखी है यहाँ पे। हेलो नमस्ते जी, कैसे आप सभी लोग, आज नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अभी पिंजौर, ठंड कम हो गई अब। आज है 9 मार्च 2023, इससे पहले मैं गया था अभी मध्य प्रदेश, वहाँ का व्लॉग नहीं डाला है। पिछले 15-18 दिन से मैं बीमार था तो कुछ नहीं कर पाया, जो व्लॉग्स थे मेरे पास वो भी मैं एडिट नहीं किए हैं। यही व्लॉग पहले डालूंगा, अगर वो व्लॉग एडिट हो गए तो उनको डालता रहूँगा, बाकी देखा जाएगा जैसा भी रहेगा। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ पिंजौर, कालाम पहुँचने वाला हूँ, और यहाँ से लगेगा लगभग 2 घंटे के आसपास पिंजौर के, 2-2.5 घंटा, देखते कितना टाइम होता है। अभी 10:12 हो गए, तो आइडिया है कि 12 बजे तक पिंजौर पहुंच जाना चाहिए, बाकी देखते ट्रैफिक कैसा मिलता है, क्या कुछ रहता है। ये जो पैच है नारायणगढ़ से थोड़ा शाहबाद तक, ये थोड़ा सा ख़राब है, बाकी तो रोड एकदम मक्खन हो गया है। वैसे ये भी इसका भी काम चला हुआ था, शायद ठीक हो गया होगा। ये रहा जिसकी मैं बातें कर रहा था। दस बजकर 58 मिनट और मैं अब NH पे आ गया हूँ, और यहाँ पर अपनी बाइक अब खींची जाएगी, तो भी थोड़ा सा खींचता है। एक सौ सत्रह, एक सौ बीस, एक सौ पच्चीस, एक सौ छब्बीस, एक सौ उनतीस, एक सौ तीस, एक सौ इकतीस, 32। एक सौ बत्तीस ऊपर नहीं जा रही है यार, RPM ही नहीं उठ रहा था ऊपर, 10 से ऊपर RPM ही नहीं उठाया सिक्स्थ गियर में। चलो आगे देखते हैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि तो 132 ही गई है। ये साइड में फ्लावर कितने सही लग रहे हैं ना यार, देख, मतलब जब मैं व्लॉगिंग शुरू की थी तो उस टाइम इनका काम चला हुआ था, उस टाइम ये लगाने शुरू किए थे, और आज ये बहुत अच्छे से खिल गए हैं फूल, बहुत सही लग रहा है। इनकी मेंटेनेंस की जाती है भाई टाइम टाइम पे, मैं जब भी जाता हूँ इधर से मैं देखता हूँ, तो टाइम टाइम पे इनकी कटिंग वगैरह और पानी वगैरह देते हैं इनको यार, लेकिन बहुत सही लग रहा है। वैसे ये होते उसके लिए मैं पिछले ब्लॉग में बताया था कि जैसे उस साइड से गाड़ियाँ आ रही है, इस साइड से भी गाड़ियाँ आ रही है, तो उनकी जो लाइट है वो एक दूसरे की तरफ ना लगे, इसीलिए बीच में ये पौधे लगाए जाते हैं, और दूसरा इससे लुक्स भी अच्छा आता है रोड के, बहुत सही लगता है देखने के लिए। थर्टी थ्री, 135, 136, 137, 138, 139, 141। अरे भाई थोड़ा सा और स्ट्रेच हो जाता है यार, 141 का मेरा हाई लग गया है आज।
और रास्ता रह गया है 33 किलोमीटर 39 मिनट दिखा रहा है। प्यारे लग रहे हैं ना यार ये फूल, मैं तब से इसी लाइन में चला हूँ इन फूलों के साथ 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 साथ। बरसात में तो फिर और भी सही लगेंगे। और इधर अंकल ने पूरी खींच रखी है अपनी बाइक, अभी 74 तो मेरी स्पीड है, देखता हूँ इनकी कितनी है। लगभग 85 to 90 के आसपास चले हुए हैं। और यहाँ पर आपको बंदर भी मिल सकता है, अगर आप इस रोड पे आओगे तो यहाँ पे आपको बंदर मिल सकता है। यहाँ पे उनको रोटी देता है कोई, केले देता है कोई, कुछ देता है, ये बैठा है। आज मज़ा आया बहुत टाइम बाद बाइक भगाने का है। आगे सामने चंडीगढ़ था और जौर, फिर आएगा कालका, फिर सोलन, फिर शिमला। यहाँ से है 12 किलोमीटर दिखा रहा है 19 मिनट। और ये मेरी फेवरेट कार में से एक, रूबिकॉन, जीप रूबिकॉन। 4 किलोमीटर रह गया है, 4.85 किलोमीटर है, 2.7 किलोमीटर रह गया है और 7 मिनट दिखा रहा है। एकदम मस्त है, सही है, कोई दिक्कत नहीं अपने, सिर्फ पुलिस वाला ज़्यादा है जो कि होने भी चाहिए। बद्दी 26, पिंजौर 1, पिंजौर गार्डन 0.2, परवाणु 7, माता काली मंदिर 5 और कालका। पिंजौर पहुंच गए हैं, तो अभी काम निपटाते हैं जो भी है, फिर मिलता हूँ उसके बाद आपको। भाई टाइम हो गया है 3:31 और अभी मैं पिंजौर से जा रहा हूँ कुमार हट्टी वापस। अभी देखते हैं, पहले बजाज के सर्विस सेंटर बजाता है इसका, ये देखते हैं जो गियर लीवर का नट है उसका क्या कुछ सीन है, पूछते हैं कितने का डलेगा, कैसा डलेगा। कलाम में तो मिला नहीं था। भाई यहाँ भी नहीं है नट, चंडीगढ़ में मिलेगा शायद ये तो, या फिर सोलन में, तो देखते हैं, वैसे ही चलानी पड़ेगी कुछ दिनों तक। तो अरे वाह, देवभूमि हिमाचल आपका हार्दिक स्वागत करती है। किलोमीटर 52 मिनट दिखा रहा है और टाइम हुआ है 4:42, देखते कब तक पहुंच पाता हूं मैं। 4:42 मतलब कि 5:32 तक मैं कुमार हट्टी पहुंच जाना चाहिए। भाई हिमाचल में एंटर होते ही ठंड लगने लगी यार। I love हिमाचल।
5:10 पे ही पहुंच गया हूँ। क्या ही सीन है भाई, ये रहा अपना स्टेशन। चलो ठीक है, जो काम था वो तो हो गया है आज का और पहुंच भी गया हूँ मैं। इस खूबसूरत से व्यू के साथ आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।